मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में आयोजित भव्य बास्केटबॉल टूर्नामेंट में कल पटना की टीम ने बाजी मार ली। पटना की टीम फाइनल जीत कर इस खिताब को जीत गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से भव्य बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर संजीव शर्मा मौजूद थे। और इस भव्य आयोजन के बाद आयोजनकर्ताओं ने और मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। प्रयास हो रहा है आप लोगों के द्वारा? बहुत सारा प्रयास हो रहे हैं। मैं रामजानी सिंह कॉलेज कैंपस में, आप देख रहे होंगे पहले जिस तरह का खेल का माहौल हुआ करता था, अब आपको एक स्मार्ट माहौल दिख रहा होगा। जैसे आप उस तरफ में अभी एक बड़ा हॉल देख रहे होंगे, जहाँ मेरे पास 4 फुट का इंडोर वुडन कोर्ट है, शायद बिहार में किसी कॉलेज के पास नहीं, जिसमें हमारे प्लेयर अब ग्रो कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा है कि ऑल इंडिया स्टैंडर्ड पर अपने आपको तैयार कर रहे हैं। वैसे अभी जो बास्केटबॉल का टूर्नामेंट देख रहे हैं या बिहार के अच्छे जाने माने प्लेयर्स हमारे बीच अभी खेले हैं, ये हमारा जो सोसाइटी है उसके लिए एक बेटरमेंट के लिए बहुत बढ़िया एक मैसेज जाएगा। प्लेयर्स और हमारा जो जनरेशन होगा ये आगे बढ़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। आज पेंडेमिक टाइम चल रहा है और आप देख रहे हैं कि लोगों का जो इम्यूनिटी लेवल है काफ़ी वीक है, तो अच्छा एक फिटनेस लेवल होगा तो इम्यूनिटी लेवल भी बहुत बढ़िया होगा, तो ये बेटर है। आजकल आप बहुत एक्टिव हैं, युवाओं के प्रति भी हर जगह आप मौजूदगी आपकी होती है, क्या आज आप अपने माध्यम से कहना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर में भी एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए? एक स्टेडियम है मगर वो उतना अच्छा नहीं है, या उसी को कुछ और रिनोवेट किया जाए, अच्छा किया जाए, इस पर क्या आपका पहल रहेगा? जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है और बिल्कुल सही सुझाव भी आपका है। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, हमारे फिटनेस से लेके और सकारात्मक सोच में भी हमारे लिए बहुत मददगार होता है। एक अच्छा वातावरण मिलेगा तो यकीनन इस खेल को भी एक नई आवाम मिलेगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन युवाओं के लिए? जमकर खेले, जमकर पढ़ें,